जय श्री कृष्ण। हाय हेलो किम चम्मच जमा, मैं हूं वृंदा सर, आप देख रहे हो वृंदास किचन। वृंदास किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे स्टार्टर जिसका नाम है वृंदा स्टाइल वेज लॉलीपॉप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल्स हमें कुछ इस प्रकार चाहिए। आलू है 5 उबले हुए, जिसका मैंने छिलका भी निकाल लिया है और इसके साथ साथ मैंने इसे स्मैश भी कर लिया है और इसे ठंडा भी कर लिया है। पनीर, गाजर, धनिया, मकाई, शिमला मिर्च और प्याज। मसाले हमें कुछ इस प्रकार चाहिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक मिर्ची की पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर और लहसुन। इसके साथ ही हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स, जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है, ब्रेड क्रम्स, मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हमें चाहिए तेल डीप फ्राई के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे बॉल्स। बॉल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलू। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये आलू 5 है, बड़े साइज के बॉईल किए हुए हैं, छिलका भी निकाल लिया है और इसको अच्छे से स्मैश कर लिया है और ठंडा भी है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें गाजर 1/2 कप, कैप्सिकम 1/2 कप, ऑनियन 1/2 कप, धनिया 1/2 कप, मकाई 1/2 कप, अदरक मिर्ची की पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, पनीर 100 ग्राम्स, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अभी 1/2 कप ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इससे बॉल्स बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह। तो लीजिए, हमारे बॉल्स बनकर रेडी है। अब हम इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम कोटिंग करने के लिए स्लरी बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, पानी 1 कप। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा का मिक्सचर का अच्छे से बैटर बना लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्लेट। प्लेट में हम डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स और आधा कप कॉर्नफ्लेक्स। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि हमने कॉर्नफ्लेक्स क्यों डाला। कॉर्नफ्लेक्स हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें क्रंचीनेस ज्यादा आए। अब हम एक बॉल उठाएंगे और इस स्लरी में हम डिप करेंगे। अच्छे से कोट करना है। इसके बाद हम इसे तुरंत ही ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथों की मदद से हम इसे कोट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसे प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। हमने वेज लॉलीपॉप के बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे। हम सारे स्टिक्स लगा देंगे। आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लग रहा है। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो आप भी ये घर पे जरूर ट्राई करना। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लॉलीपॉप डाल देंगे। एक के बाद एक हम सारी लॉलीपॉप डाल देंगे। हमें वेज लॉलीपॉप को स्लो से मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। हमें हमारी वेज लॉलीपॉप को गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कर लेना है। अब हमारी लॉलीपॉप्स रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम लॉलीपॉप्स को निकाल लेंगे। एक के बाद एक हम सारी लॉलीपॉप्स को निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी वेज लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी है। हमने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व भी कर लिया है और टोमेटो केचप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम देखते हैं कि ये कितना क्रंची है। लग रहा है ना बहुत ही क्रंची। हमारी वृंदा स्टाइल वेज लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तब बनता ही है। और बाजू में रखे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।